हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर्स के ऊपर। दोस्तों, इन्वर्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब लाइट चली जाती है या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कट जाती है। हालांकि जो बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली जैसा शहर है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24/7 लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई यहाँ पर रहती है। इसीलिए ही कुछ साल पहले जब यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ करती थी तो सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने इन्वर्टर्स अपने घरों में लगवा लिए थे। लेकिन अब अगर आज की बात करें तो बहुत सारे, काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों से इन्वर्टर को हटा दिया है क्योंकि अब वो यूज़ में नहीं आते हैं। तो दोस्तों, एक यहाँ पर और बात अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ अपने घर में रखते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है तो वो फिर ख़राब भी हो जाती है जल्दी, क्योंकि किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए। तो ऐसे में अगर आपके यहाँ भी लाइट वगैरह नहीं जाती है तो कोई ज़रूरत नहीं है इन्वर्टर के ऊपर पैसे खर्चने का। अब चलिए, ये तो हुई अलग बात। यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट, जब हमें इन्वर्टर कोई लेना होता है तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन्वर्टर लेना कौन सा है, क्योंकि काफ़ी तरह के इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और हमारी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। क्योंकि जैसे गांव वगैरह की बात करूं या रीजनल एरियाज़ की, वहां पर 10-10, 15-15 घंटे भी लाइट नहीं आती है। तो ऐसे में वो इन्वर्टर के ऊपर ही आश्रित रहते हैं लोग, क्योंकि हर चीज़ लाइट से ही चलनी है, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलनी है। मोबाइल चार्ज करना है, कंप्यूटर पे ऑनलाइन क्लास लेनी है या कुछ भी करना है तो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी से ही। तो अगर हमें सप्लाई नहीं आ रही है बिजली बोर्ड की तरफ से तो हम फिर उसको इन्वर्टर के माध्यम से चलाएंगे, लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होना चाहिए। इसीलिए ही हम सब जो लोग हैं इन्वर्टर्स लगवाते हैं। अब दोस्तों, इन्वर्टर के काफ़ी टाइप्स होते हैं। एक स्क्वायर वेव हो गया, साइन वेव हो गया, यूपीएस वाला हो गया। तो इन सभी में से हमें कौन सा लेना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये पता करना है अगर आपको, तो सिंपल सा टिप देता हूँ। अगर आपको सिर्फ लाइट्स या फिर पंखे चलाने हैं या कोई मोटर चलानी है सपोज़, तो आपको स्क्वायर वेव इन्वर्टर ले लेना चाहिए। अगर आपको इन सभी के साथ साथ अप्लाइंसेस भी चलाने हैं, फ्रिज चलाना है, टीवी चलाना है, वॉशिंग मशीन चलानी है, एसी चलाना है, तो ऐसे में आपको फिर साइन वेव इन्वर्टर लेना होगा। साइन वेव और स्क्वायर वेव इन्वर्टर में कंप्लीट डिफरेंसेस अगर आप जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देख लीजिए। इसमें कंप्लीट आपको कंपैरिजन मिलेगा और ये भी पता लगेगा कि दोनों के अंदर क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। तो ये तो हो गई बात टाइप ऑफ इन्वर्टर की। अब हम बात करते हैं कि इन्वर्टर लेने कितने वाला है, यानी कि कितने रुपए का। यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि इन्वर्टर की पावर कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो चीज़ें इन्वर्टर के ऊपर चलानी है उतनी ही तो पावर का इन्वर्टर हमें लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर इतना बैकअप हमें मिल नहीं पाएगा या उतनी चीज़ें चल नहीं पाएंगी। तो इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले उन इक्विपमेंट्स या अप्लाइंसेस का लोड कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद फिर हम इन्वर्टर की पावर को कैलकुलेट करेंगे या फिर कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए मैंने एग्जांपल के लिए कुछ चीज़ें ली हैं कि आप किस तरह से मतलब कैलकुलेट कर सकते हो। तो सपोज़ हमने अपने घर में इन्वर्टर जब लगवाना है तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज़ हमने 4 लाइट चलानी है, ये एग्जांपल है, हर घर का अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह से बेसिकली आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करनी है, ये मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ। तो सपोज़ हमने 4 ट्यूबलाइट चलानी है, जिसमें से 2 ट्यूबलाइट हैं और 2 हैं हमारे एलईडी बल्ब्स। और दूसरी बात, इनके जो वॉटेज होंगे या कितने लोड लेती है कोई चीज़, इन सभी की इंफॉर्मेशन आपको उसी प्रोडक्ट के ऊपर मिलती है। यानी कि बल्ब होगा तो बल्ब के ऊपर लिखा होगा कि वो कितने वॉटेज का है, ट्यूबलाइट होगी तो उसके ऊपर लिखा होगा कितने वॉट की है। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप अपने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसकी बैक साइड पे ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं, या फिर आप रफली आइडिया भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि हमें 4 लाइट चलानी है, 2 बल्ब हैं, 2 ट्यूब हैं, तो जो ट्यूब्स होती हैं वो जनरली 35 या फिर 40 वॉट की होती हैं, और जो हमारे एलईडी बल्ब होते हैं जनरली 9 वॉट का बल्ब हम सब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 2 बल्ब 9 वाट के हैं और 2 ट्यूब 40 वाट के हैं, तो इनके बीच का जो है 20 वाट आप एवरेज ले लीजिए। तो यहाँ पर
फोर लाइट्स हैं तो इंटू 20, तो आपके सामने यहाँ पर 80 वॉट्स आ गया। इसको एक पेपर पे आप लिख लीजिए। उसके बाद आप फैंस की बात कर लीजिए कि आपके घर में कितने फैंस हैं जो आप लाइट जाने के बाद इन्वर्टर के ऊपर चलाना चाहते हो। सपोज दो फैन हम चलाना चाहते हैं, तो दोस्तों फैन का भी यही है कि उसके ऊपर लिखा होता है कितने वॉट लेगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो जनरली जो फैंस होते हैं, BLDC फैन की बात नहीं कर रहा हूँ, BLDC जो फैंस होते हैं वो वॉटेज थोड़ी और कम लेते हैं, लेकिन जनरली जो मैक्सिमम लोगों के घर में लगे हुए हैं वो नॉर्मल फैंस लगे हुए हैं जो कि 60 वॉट से लेकर 80 वॉट्स तक की पावर कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर आप एवरेजली 75 वॉट्स लिखिए और उसको आपने दो पंखे चलाने हैं तो 75 × 2 कीजिए तो आपके सामने आएगा 150 वॉट। तो इसको भी लिख के रखिए। तो 80 वॉट हो गया लाइट्स का और 150 वॉट हो गया फैंस का। अब भाई हमें तो फ्रिज भी चलाना है क्योंकि फ्रिज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि भाई फ्रिज हमेशा ऑन ही रहे, नहीं तो वो सब खराब हो जाएगा। तो ऐसे में फ्रिज का जो वॉटेज है वो भी उसके स्टिकर पे लिखा होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए 500 वॉट ले रहा हूँ। तो एक फ्रिज चलाना है उसके 500 वॉट मैंने लिख लिए, और एक अब हम भाई टीवी भी चलाना है और साथ में सेट टॉप बॉक्स भी चलाना है, क्योंकि टीवी और सेट टॉप बॉक्स की जोड़ी है ना, ये दोनों चलेंगे तभी तो हम कुछ देख पाएंगे। तो ऐसे में जो LED TVs आजकल चल रहे हैं, अगर आपके पास कोई पुराना TV है बॉक्स वाला तो वो 200 से 250 वॉट के आसपास होता है, और अगर आपके पास लेटेस्ट LED TV है वॉल हैंगिंग तो वो 60 वॉट से लेकर 90 वॉट तक होता है। साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग वॉटेज होती है। तो एवरेजली आप इसका पकड़ लीजिए 75 वॉट, या फिर आपके पास पता है कि ये मॉडल है मेरे पास टीवी का तो ऑनलाइन गूगल पे डालिए, आपको वॉटेज उसका पता लग जाएगा। तो एवरेजली 75 वॉट आप इसका ले लीजिए। अब एक ही टीवी है तो 75 लिखिए। अब ये जो 80, 150, 500, 75 वॉटेज हैं तो इसको आपको पूरा का पूरा टोटल करना है। तो टोटल जब आप करेंगे तो आपके सामने आएगा 805 वॉट्स, यानी कि 805 वॉट का लोड आप चाहते हैं कि जब लाइट जाएगी तो इतनी, मतलब इतना लोड हमारा जो इन्वर्टर है वो चलाए। तो ये हो गया दोस्तों नेट लोड, यानी कि इतना बिल्कुल ये नेट लोड है हमारे इक्विपमेंट्स का या अप्लायंसेस का मिला करके। लेकिन दोस्तों इतने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप इतनी ही पावर का इन्वर्टर लेंगे तो वो इतना लोड नहीं उठा पाएगा। तो क्यों ऐसा होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अंदर दोस्तों आपको जितना भी आपका लोड वॉटेज निकल के आए, जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उनका, उसके अंदर आपको जर्क लोड ऐड करना होता है। अब ये जर्क लोड क्या होता है दोस्तों? जर्क लोड होता है जैसे हमारे स्विचेस हो गए, सॉकेट्स हो गए, वायर्स हो गई, तो इनके बीच में भी इलेक्ट्रिसिटी का जो है लॉस होता है। दूसरी बात, जैसे फैंस हो गए या फिर कोई ऐसी मोटराइज वाली आइटम हो गई, जैसे फ्रिज हो गया, तो ऐसे जो इक्विपमेंट्स या अप्लायंसेस होते हैं जब ये इनिशियली चलते हैं तो एकदम से करंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे में उनके लिए बफर चाहिए, या कि एक्स्ट्रा मतलब चाहिए, उसमें अलाउंस चाहिए। तो उस बफर के लिए, उस अलाउंस के लिए जर्क लोड होता है और उसको 25% इसमें आपको ऐड करना है। तो जितनी भी टोटल आपकी नेट कैलकुलेशन आई है वॉटेज की, उसमें आप 25% ऐड कर दीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर 805 वॉट आए थे, तो उसमें हम 25 ऐड करेंगे तो हमारे सामने आ गया 1006.25 वॉट। अब ये जो वॉटेज आई है ये हमारी जर्क लोड के साथ आई है। अब यहाँ पर दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही बताते हैं और उसके बाद आपको बोलते हैं कि इन्वर्टर आप अब इसके हिसाब से ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी इसके अंदर कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फिर आपको शिकायत रहेगी कि आपका इन्वर्टर बैकअप नहीं दे रहा, जल्दी ख़त्म हो जाती है बैटरी, सारे हम सब चीज़ें चला लेते हैं तो वो मतलब ढंग से नहीं चलता है। तो उसके अंदर दोस्तों एक और चीज़ कंसीडर करनी होती है और वो होती है पावर फैक्टर। अब ये पावर फैक्टर क्या होता है इसके ऊपर मैं नहीं बोलने वाला क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। पावर फैक्टर अगर आपको अपने घर का पता है, वैसे ये जो आपके बिजली के मीटर लगे हुए हैं उसके अंदर शो करता है। काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो बिजली के मीटर्स में पावर फैक्टर शो करती हैं।
अदरवाइज रफली या फिर एवरेज एक पावर फैक्टर जो है वो 0.8 कंसीडर किया जाता है। तो आप रफली इसको ही कंसीडर कीजिए। तो यहां पर आपको ये जो जर्क लोड के साथ निकल के आया था टोटल वैल्यू 1006.25, इसको दोस्तों डिवाइड करना है 0.8 से, यानी कि पावर फैक्टर से, और फिर आपके सामने निकल के आएगा एक और वॉटेज और वो होगा 1257.81। तो ये जो दोस्तों निकल के आई है वॉटेज, ये आपके घर का मतलब लोड है। अब इसके हिसाब से आपको इन्वर्टर लेना है। ये पावर फैक्टर अगर आप नहीं कंसीडर करेंगे तो आपको शिकायत ज़रूर आएगी कि आपका जो इन्वर्टर है जब आप उस पर पूरा लोड देते हो तो वो आपको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब ये हमारे पास आ गया 1257.81 वॉट, इसका मतलब ये हो गया आप इसको 1260 वॉट मान के चलिए। अब दोस्तों जो हमने इन्वर्टर लेना है उसकी जो वॉटेज है या VA है या KVA है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब हम इन्वर्टर लेते हैं कोई तो उसकी भी एक पावर एफिशिएंसी होती है या वर्किंग एफिशिएंसी होती है। तो अलग अलग जो इन्वर्टर्स हैं उनकी अलग अलग एफिशिएंसी परसेंटेज होती है। कोई जो इन्वर्टर है वो अपने कुल क्षमता का 70% एफिशिएंसी से चलता है, कोई 75 से, 80, 90 इस तरह से होता है, 100% वाला कोई नहीं आता। तो आप ये समझ के चलिए कि जिस तरह से हमने जर्क लोड ऐड किया है अपने लोड वोल्टेज कैलकुलेशन में, इसी तरह से पावर लॉस जो इन्वर्टर में भी होता है जब हम उससे लोड लेते हैं या पावर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, सर्कल प्लेट लगी हुई है, वो सारी चीज़ें भी जो पावर है उसको यूटिलाइज करती हैं। तो ऐसे में उसकी एफिशिएंसी को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। अब लेट सपोज हमारे पास ये 1260 वॉटेज हमारा जो है निकल के आया, हमारी रिक्वायरमेंट है ये। अब हम कोई ऐसा इन्वर्टर देख रहे हैं जो कि 1.5 केवीए का हो, 1.5 केवीए को 1500 वीए भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम 1500 वीए का इन्वर्टर एक देखते हैं जिसकी एफिशिएंसी 90% है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं दोस्तों, कुछ इन्वर्टर आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको एफिशिएंसी लिखी मिलेगी, लेकिन कुछ इन्वर्टर ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको पीक लोड देखने को मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम जो लोड है वो कितना ले सकता है ये चीज़ दिखेगी। तो अब जिस इन्वर्टर में आपको पीक लोड देखने को मिल रहा है तो आपको उस पीक लोड से अपने घर का जो लोड आपने कैलकुलेट करा है उसको मिलाना है, और जो पीक लोड है वो आपके घर वाले लोड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए। एक्स्ट्रा इसलिए कह रहा हूँ, जब हम अपने घर का लोड मतलब इन्वर्टर पे करवाते हैं चीज़ों को तो वहाँ पर हम एक आधा सॉकेट भी करवाते हैं, तो अब उस सॉकेट से हम मोबाइल भी चार्ज करते हैं या कुछ और चला सकते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा अलाउंस चाहिए। तो ऐसे में आपका जो कैलकुलेशन 1260 आया था टोटल आपके घर का जो लोड है जो आपको इन्वर्टर पे चलाना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए इन्वर्टर का पीक लोड। ये तो हो गई एक बात। अब बात करें एफिशिएंसी की। अब सपोज हमने कोई 1500 वॉट का 1500 वीए का एक इन्वर्टर देख रहे हैं जिसकी एफिशिएंसी 90% है, तो यहाँ पर अब हम उसका कैसे निकालेंगे लोड, उसका पीक लोड क्या आएगा। तो उसके लिए दोस्तों सिंपल है, 90% एफिशिएंसी दे रहा है तो इसका मतलब 10% लॉस कर रहा है वो, तो आप 1500 में से 10% माइनस करेंगे तो आपके सामने उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी कि इतना लोड ये आपको मैक्सिमम देगा। तो 1500 में से 10% करोगे तो आपके सामने 1350 आएगा। इसी तरह से किसी भी वैल्यू का, सपोज आप 2000 वीए का ले रहे हो तो उसका 10% करोगे, यानी कि जितने एफिशिएंसी का वो इन्वर्टर है और 100 में से उस एफिशिएंसी जितनी रहती है उसको आप माइनस करोगे। सपोज 75% की एफिशिएंसी वाला कोई आप ले रहे हो तो उस इन्वर्टर के टोटल केवीए में से आप 25% माइनस कर दोगे तो आपके सामने उसकी एक्चुअल लोड आ जाएगा।
तो यहाँ पर अब सपोज ये 1500 VA का हम कोई देख रहे थे, तो इसका जो निकल के आया है परसेंटेज माइनस करके 1350 वॉट का ये लोड लेगा सपोज, तो हमारे को चाहिए 1260 का वोल्ट। तो यहाँ पर लगभग 100 वॉट ज़्यादा है, 90 वॉट ज़्यादा मिल रहा है हमें, तो हम इसको लगा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर हमें कोई एक्स्ट्रा मतलब सॉकेट में हमें कुछ एक्स्ट्रा भी चलाना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे कम कभी नहीं लेना है आपको, जो भी आपके घर का लोड निकल के आए उससे एक्स्ट्रा ही आपको लेना है। तो ये होती है दोस्तों एक बेस्ट इन्वर्टर लेने की प्रक्रिया। तो इसको आप हमेशा से फॉलो करें अगर आप चाहते हो कि आपको इन्वर्टर के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस मिले। तो यहाँ पर एक बार दोबारा से मैं बता दूं कि आपके घर में जितनी भी चीज़ें आपको चलानी हैं उनके वॉटेज को कैलकुलेट करना है टोटल करके, उसके अंदर 25% जर्क लोड के नाम का परसेंटेज ऐड करना है। जितना भी लोड आपके नेट लोड आया है उसमें 25% ऐड करना है, और जो वैल्यू निकल के आएगी उसके अंदर पावर फैक्टर को डिवाइड करना है, तब आपके सामने एक्चुअल लोड निकल के आएगा। तो इस तरह से अगर आप कोई भी इन्वर्टर सिलेक्ट करेंगे अपने लिए तो श्योरली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। ये वीडियो सिर्फ इन्वर्टर के ऊपर थी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी का सिलेक्शन कैसे करना है, कितने AH की बैटरी आपको लेनी है और वो कितना बैकअप देगी, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता लगेंगी, इन सब चीज़ों को मैं अगली किसी वीडियो में कवर करूंगा। तो चैनल के साथ आप जुड़े रहिए क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो रिकमेंडेड लिंक्स हैं इन्वर्टर्स के, ACs के या स्टेबलाइजर्स के, उनको भी देखिए, जाकर चेक कीजिए। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर जाकर आप उनको चेक कर सकते हैं, आपको लेने हैं तो आप खरीद सकते हैं ताकि आपका टाइम खराब ना हो, क्योंकि सभी बेस्ट मॉडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।